सास बहू का झगड़ा। सूरज ढले घंटा भर हो गया मगर अब तक महारानी के कदम घर में नहीं पड़े। सास चिल्ला रही थी, बहू हाथों में थैलियां लटकाए घर में घुसती है। आ गई बहू रानी, शॉपिंग के आगे समय का तो तुझे कोई तकाजा है? बस एक बार नोटों के बंडल बहू रानी के हाथ में पड़ते नहीं, बस आजाद परिंदे की तरह निकल पड़ती है खरीदारी के लिए। सास के शब्द खत्म नहीं होते कि बहू सास पर बिगड़ जाती है। अरे तो आपका कलेजा क्यों फट रहा है? आप भी आए दिन सायरा बानो बनकर शॉपिंग करने जाती है, मैंने तो कोई रोक टोक नहीं की, मगर आपकी तो आदत है बहू की खुशियाँ खराब करने की, जब देखो किचकिच करती रहती है। हाय हाय कैसी बेशर्म बहू पल्ले पड़ी है। अरे अरे देखो देखो दुनिया वालों, मेरी लड़ाकू बहू अपनी बूढ़ी सास से कैसे झगड़ा लड़ती है। हाँ हाँ सासू माँ, सारी गलती तो मुझ बहू का ही है, आपने तो जैसे मुंह में दही जमा रखी है। ये है सौदामिनी और बबीता जो मणिकपुर मोहल्ले में रहती हैं। दोनों सास बहू हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ती रहती हैं। बिल्कुल आज के जैसे पूरा मोहल्ला सास बहू के झगड़े देखकर फुसफुसा रहे थे। तभी दोनों के पति सुरेश और राजेश घर लौटते हैं। बाबूजी ये शोरगुल कैसा है? सामने देख राजेश, फिर ये सास बहू चौखट पर खड़ी होकर चिल्ला रही है, चल जल्दी। माँ बबीता ये सब क्या चल रहा है? अजी मुझसे क्या पूछते हो, अपनी झगड़ालू माँ से पूछो। हाँ मुझे झगड़ालू बोलती है, तू तो जैसे दूध की धुली है। सास बहू के बीच के झगड़े को बढ़ता देखकर ससुर का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बोलता है, अरे अब थम भी जाओ, एक दूजे से झगड़ने में दोनों सास बहू तुमको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पूरा मोहल्ला तुम्हारा झगड़े का मजा ले रहा है। बेचारे बाप बेटे सास बहू को समझा बुझा कर झगड़े को खत्म कर देते हैं, मगर ये शांति ज्यादा देर तक कहाँ टिकने वाली थी। अगली सुबह, बहू वो तेरे पास जो गुलाबी रंग की साड़ी है ना, वो इस्त्री कर दे, आज शाम को मैं रज्जो की बहू की मुंह दिखाई में वही पहन कर जाऊंगी। माफ करना माँ जी, मगर मुझे अपनी साड़ी का सत्यानाश करने का कोई शौक नहीं है। अरे मैं तेरी साड़ी को खा थोड़ी जाऊंगी, एक बार पहनकर लौटा दूंगी, और ये मत भूल वो साड़ी तूने मेरे बेटे की कमाई से खरीदी हुई है। आपके बेटे का तो पता नहीं माँ जी, मगर वो साड़ी मैंने अपने पति के पैसे से खरीदी थी, और इतना ही बहू की साड़ी पहनने का शौक है तो पहले वजन घटाइए, क्योंकि काम तो आप करती नहीं, दिन भर पलंग पर पसर कर ठकम ठेले ठूसती रहती हैं। ये सुनकर बहू के आगे सास का मुंह बंद हो जाता है और बहू इठलाते हुए रसोई घर का रुख कर लेती है। तभी सास खुद में फुसफुसाती है, अपने फिट एंड फाइन फिगर पर बहुत नाज है ना बहू रानी तुझे, सौदामिनी के मोटापे का मजाक बनाया है ना, इसका भुगतान तुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। बहू को कामों में अस्त व्यस्त देखकर सास दबे पांव उसके कमरे में घुसकर कबोर्ड में रखी साड़ी को प्रेस से जलाकर कहती है, अब देखती हूँ कैसे पहनती है ये जली हुई साड़ी। सास कमरे से जाने ही वाली होती है कि अचानक उसकी निगाहें आईने के पास सजी हुई मेकअप पर घूम जाती है, और झगड़ा मोल लेने के लिए वो सारा मेकअप तहस नहस करके कहती है, आहा अब जैसे ही बहू इस टूटी फूटी काया पलट की किट को देखेगी, जीते जी समाधि पर लेट जाएगी। काम काज खत्म करके जैसे ही बहू कमरे में आती है, तभी उसकी सीधी नजर शीशे पर जाती है। मेरा मेकअप किट कैसे टूट गया, और ये कपड़ों की अलमारी खुली कैसे है? जैसे ही बहू अलमारी खोलती है तो जली हुई साड़ी उसके हाथ लग जाती है। तभी राजेश और सुरेश दफ्तर से घर में घुसते हैं। गुस्से से तिलमिलाई बहू बोलती है, माँ जी कहाँ है आप माँ जी? अरे क्या बात है बहू रानी, यू गुस्से में गरज क्यों रही हो? ज्यादा भोली बनने का ढोंग मत कीजिए माँ जी, मुझे मालूम नहीं था कि आप लड़ने झगड़ने के साथ साथ लोमड़ी जैसे शातिर भी हैं। मैंने आपको साड़ी देने से मना क्या किया, आपने मेरी साड़ी चला दी, यहाँ तक कि मेरे महंगे मेकअप किट को भी बर्बाद कर दिया। अरे बहू ये क्या बक रही है, मुझे तेरे मेकअप से क्या मतलब है, देख आज मेरा झगड़ा झंझट करने का कोई इरादा नहीं, तो आप मुंह नहीं खोलोगी? ठीक है कसम है मुझे मेरे मेकअप किट की, आपको दिन में तारे ना दिखाए ना तो मैं भी आपकी बहू बबीता नहीं।
इतने के बाद दोनों सास बहू के बीच तू तू मैं शुरू हो जाती है, जिसे देखकर राजेश कहता है, अरे बस भी करो, आप सास बहू जब देखो झगड़े झंझट के चक्कर में घर को महाभारत का मैदान बनाए रहती हो। अरे आप दोनों के झगड़े ने हम बाप बेटे का हाल बेहाल कर दिया है, अरे कुछ तो सोचो हमारे बारे में। अरे मुझे क्या कहता है, अपनी झगड़ालू बीवी को बोल। फिर दोनों सास बहू अपने कमरे में चली जाती हैं और सुरेश कहता है, राजेश बेटा अब जो है पानी सर से ऊपर हो रहा है, ये जो है इस सास बहू के कलेश का कोटा ऐसे बंद नहीं पड़ने वाला, अब हम बाप बेटे को ही कुछ पैरवी पैतरा आजमाना पड़ेगा, बुझ रहा है। अगली सुबह जब बहू चौखट पर झाड़ू लगा रही थी, तभी मोहल्ले में रहने वाली चुगलखोर मंडली की मंगला बहू से बोलती है, अरे कैसी है सोदामिनी की बहू। मेरी छोड़िए मंगला मौसी, आज आप अपनी चुगलखोर मंडली को छोड़कर मेरा हालचाल पूछने कैसे चली आई। अब बहू मंगला तेरी झगड़ालू सास के जैसे पत्थर दिल थोड़ी है, जाने क्या देख परख कर तेरे मायके वाले ने तुझे इस झगड़ालू लुगाई की बहू बना दिया। सारा दिन तुझ लाचार बहू से लड़ती झगड़ती रहती है, खुद तो खा खा कर बाहुबली बनी बैठी है, मगर तुझे बहू से बाई बना दिया है। अरे ऐसी सास को तो नरक भी नसीब नहीं होगा। हॉल में बैठी झगड़ालू सास कान खड़े करके मंगला और अपनी बहू की बात सुन रही थी, जिसके कारण गुस्से से सास का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। मगर जैसे ही वो चौखट पर आने को बढ़ती है, उतने में बहू मंगला पर बिगड़ जाती है। मंगला मौसी, अपनी ये चंटी चाट भरी चाल किसी और के सामने चलना, बबीता अपनी सास की बुराई में एक शब्द नहीं सुन सकती। और रही बात झगड़े की, तो हर सास बहू के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है। जाइए, जाकर कहीं और कीजिए मंत्राई। हाँ हाँ, रुकना भी कौन चाहता है। अपने प्रति पहली बार बहू के मुंह से बड़ाई सुनकर सास के मन में बसे बहू को लेकर सारे बैर मिट जाते हैं। फिर उस रात जब सास खाने की मेज पर बैठी हुई थी, तभी बाप बेटे वहाँ आते हैं। अरे आ गए आप, सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। खाने पीने की छोड़ो भाग्यवान, आज हम दोनों बाप बेटे ने एक जरूरी फैसला लिया है। कैसा फैसला ससुर जी? हम बाप बेटे ने तुम्हें हर तरह से समझा बुझा कर देख लिया, मगर तुम सास बहू का झगड़ा जो है इस सलटने का नामे नहीं लेता है, हैं? इसीलिए मैं तेरी सास को जो है वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? कलेश तो कटेगा कम से कम। ये सुनकर बहू की आंखों में आंसू उफन पड़ते हैं। तभी राजेश कहता है, माँ कहीं नहीं जाएगी पिताजी, सारे फसाद की जड़ मेरी बीवी बबीता है, इसलिए अब ये अपने मायके जाएगी। फैसला सुनकर सास का मुंह फीका पड़ जाता है और वो चुप्पी तोड़कर बोल पड़ती है, बस करो तुम दोनों बाप बेटे, तुम होते कौन हो हम सास बहू को अलग करने वाले। अरे जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटर पटर होती रहती है। अरे बिना कलेश लिए तो मैं रह लूंगी, मगर बिना बहू के मुझ बुढ़िया का दिन कैसे कटेगा। माँ जी, बगैर आपकी डांट के मैं भी नहीं रह सकती हूँ, मैंने बहू होने का कोई अदब नहीं निभाया, हमेशा आपके ताने बानों का मुंह तोड़ जवाब दिया, मुझे माफ कर दीजिए। सभी गिले शिकवे भुलाकर सास बहू गले लग जाती हैं। तभी दोनों बाप बेटे चीख पड़ते हैं, हमारा प्लान सफल रहा। कैसा प्लान? हमने तुम सास बहू के झगड़े को सुलझाने के लिए सारा खेल रचा था, जिसमें मंगला ने हमारा साथ दिया था। ये सुनकर सास बहू जोर जोर से हंसने लगती है, और इस तरह से बाप बेटे की साजिश ने झगड़ालू सास बहू का मेल करा दिया। मगर हर कुछ दिनों पर सास बहू के कलेश का क्लाइमेक्स नजर आ ही जाता है। सौतेली बहन की शादी। माँ कहाँ पर हो आप, जरा यहाँ पर आओ, देखो आपकी सौतेली बेटी ने मेरे कपड़े नहीं धोए हैं, क्या इसे मुझसे कोई दुश्मनी है? क्यों रे, तुझसे मेरी बेटी रेशमा के कपड़े नहीं धोए गए, क्या तेरे हाथ टूट जाते हैं या तेरे हाथ घिस जाते हैं? माँ आप ऐसा क्यों सोचती हो, भला मैं रेशमा के कपड़े क्यों नहीं धोऊंगी? क्योंकि तू मुझसे जलती है, माँ मुझे प्यार करती है और तुझे नहीं, तू माँ की सौतेली बेटी है। रेशमा की बात सुनते ही रेखा नंदिनी के मुंह पर चाटा मारती है और कहती है, आज के बाद अगर तूने मेरी बेटी के कपड़े नहीं धोए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेखा अपनी बेटी रेशमा को वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद बेचारी नंदिनी रोने लगती है। तभी उसके पिता लखन वहाँ पर आते हैं। अरे बेटी, अरे क्या हुआ, अरे रो काहे रही हो? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं,
मैं सब जानता हूँ बेटी, तेरे मुंह पर छपा हुआ ये तमाशे का निशान मुझे सब कुछ बता रहा है। लखन की बात सुनते ही बेचारी नंदिनी और जोर से रोने लगती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है। मैं आज तक उस घड़ी को बहुत कोसता हूँ जब मेरी रेखा से शादी हुई थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुझे एक माँ का प्यार मिल जाए बेटा। नहीं पिताजी, आप ऐसा ना बोलिए। रेखा माँ मेरी माँ है और रेशमा मेरी बहन है। मैं उन्हें दिल से अपनी माँ और बहन मानती हूँ। लखन अपनी बेटी की ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही हर रोज नंदिनी के साथ उसकी सौतेली बहन रेशमा और उसकी सौतेली माँ रेखा उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन ये सब देखकर लखन रेखा से कहता है, हमारी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, हमें उन दोनों के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढना चाहिए। अजी आप बिल्कुल सही कहते हो, हमारी बेटी रेशमा के लिए कोई अमीर घर का रिश्ता ढूंढना, ताकि हमारी बेटी को कभी भी परेशानी ना उठानी पड़े। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं रेशमा और नंदिनी दोनों के लिए ही अच्छे घर का रिश्ता ढूंढूंगा। नंदिनी का नाम सुनते ही रेखा मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो वहां से उठकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लखन अभी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढता है और दोनों को ही अच्छे घर से रिश्ता आता है, जिसके बाद रेखा अपनी बेटी रेशमा को शादी की शॉपिंग करवाने लगती है। अरे बेटी तू चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसे कपड़े दिलवाऊंगी कि सब लोग तुझे देखते ही रह जाएंगे। कुछ ही दिनों में रेशमा और नंदिनी की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पहली रस्म हल्दी की होती है, जिसके चलते रेशमा अपने मन ही मन में सोचती है, पिताजी ने सारी रस्में मेरी और इसकी बराबर ही रखी है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे होते हुए इसकी कोई भी रस्म अच्छे से नहीं हो सकती। रेशमा हल्दी की रस्म होने से पहले चुपके से नंदिनी के हल्दी के अंदर खूब सारा कीचड़ भर देती है। जैसे ही रेशमा और नंदिनी की हल्दी की रस्म शुरू होती है, रेशमा को सभी लोग हल्दी लगाते हैं। अरे मेरी बेटी को ऐसे हल्दी लगाना जैसे उसका रंग खिल उठे। जैसे ही नंदिनी की बारी आती है, उसके हल्दी में कीचड़ होती है। जब वो हल्दी का स्पर्श करती है तो उसे हल्दी के अंदर कीचड़ का स्पर्श महसूस होता है। अरे ये क्या, ये हल्दी नहीं, ये तो कीचड़ है। ये सब देखते ही सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। यहाँ तक ये बात किसी को भी नहीं पता होती है, ये सब रेशमा का किया धरा है। तभी रेखा कहती है, हे भगवान ये क्या, ये तो अपशगुन हो गया। शादी की पहली रस्म के अंदर ही कीचड़ है। भगवान तौबा तौबा, मुझे तो पहले से ही पता था ये मनहूस है। अपनी सौतेली माँ की ऐसी बातें सुनकर बेचारी नंदिनी रोने लगती है। रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है, आज अगर मेरी माँ मेरे साथ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। काश माँ मेरे पास ही होती। नंदिनी रोने लगती है, तभी उसके पिता लखन हल्दी लेकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, मेरी गुड़िया रानी तू क्यों रो रही है बेटा, ये देख मैं तेरे लिए हल्दी लेकर आया हूँ। आज तेरी हल्दी की रस्म है और तुझे अभी तक तो हल्दी भी नहीं चढ़ी बेटा। लखन अपनी बेटी को हल्दी लगाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदिनी अपने पिता को गले से लगा लेती है। ऐसे ही अगली रस्म मेहंदी की होती है। मेहंदी की रस्म से पहले रेशमा के मन में ख्याल आता है, अरे आज तो हमारी मेहंदी की रस्म है और मेरे होते हुए इस नंदिनी की मेहंदी की रस्म अच्छे से कैसे हो सकती है, मैं इसकी मेहंदी की रस्म को भी बिगाड़ दूंगी। ऐसा सोचकर रेशमा मेहंदी के अंदर एलर्जी वाला पाउडर मिक्स कर देती है। जैसे ही रेशमा और नंदिनी मेहंदी लगाना शुरू करती है, नंदिनी के हाथ पर मेहंदी से बुरी तरह से खुजली मचने लगती है। अरे ये क्या, मुझे तो बहुत जोरों से खुजली मच रही है। खुजली के चलते उसके हाथ लाल पड़ जाते हैं और वो मेहंदी भी धो देती है, जिसके बाद उसकी मेहंदी की रस्म भी पूरी तरीके से नहीं हो पाती। वहीं दूसरी तरफ रेशमा अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हुए अपने मन ही मन में बहुत खुश होती है। कितना मजा आया है इसकी हल्दी और मेहंदी की रस्म खराब करके, अब तो मुझे शादी वाले दिन का इंतजार है। रेशमा शादी वाले दिन का इंतजार करने लगती है। जैसे ही शादी वाला दिन आता है, रेशमा लहंगा आने का इंतजार करती है। आज हमारी शादी है और शादी में लहंगा पहनना तो बहुत जरूरी है। जैसे ही लहंगा आएगा मैं नंदिनी का लहंगा खराब कर दूंगी, उसके बाद वो बिना लहंगे के शादी भी नहीं कर पाएगी और बेचारी इस घर में नौकरानी बनकर रह जाएगी। लखन लहंगे लाकर एक कमरे में रख देता है। रेशमा चुपके से वहां जाती है और उनमें से एक लहंगा निकाल कर उसे कैंची से काट देती है।
अरे अब जल्दी से अपने कमरे में पहुंच जाती हूँ, नहीं तो कोई मुझे देख लेगा। रेशमा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रेशमा और नंदिनी दोनों को लहंगे और उसके साथ की ज्वेलरी उनके कमरे में भिजवाई जाती है। ये ले रेशमा बेटी, जल्दी से लहंगा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आने ही वाली है। ऐसा कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। जैसे ही रेशमा अपना लहंगा उठाती है, अपना लहंगा देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो जल्दबाजी में अपना ही लहंगा काट दिया, मेरा लहंगा तो बर्बाद हो गया, अब मैं शादी कैसे करूंगी। रेशमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ ही देर बाद नंदिनी तैयार होकर रेशमा के पास आती है। अरे रेशमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, बारात आने ही वाली है, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारा लहंगा समझकर मैंने अपना ही लहंगा काट दिया, अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। नंदिनी अपना लहंगा उतार कर रेशमा को दे देती है। ये क्या, तुम ये जानने के बाद भी कि मैंने तुम्हारा लहंगा खराब किया है, तुमने अपना लहंगा उतार कर मुझे दे दिया। कोई बात नहीं, गलती तो हम इंसान से ही हो जाती है ना, और वैसे भी तुम मेरी बहन हो। रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नंदिनी को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने अपना ही लहंगा मुझे दे दिया, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। अपनी बेटी की ये सभी सच्चाई रेखा भी सुन लेती है, जिसके बाद उसे भी अपनी गलती का पछतावा होता है और वो नंदिनी को गले से लगाकर कहती है। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा से तुझसे नफरत की, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया, जबकि मैं तो इस लायक भी नहीं थी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे आप दोनों को अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात होगी, आज के दिन मुझे मेरी माँ के साथ मेरी बहन भी मिल गई। तभी नंदिनी का पिता लखन उसे अपनी माँ की शादी का लहंगा लाकर देता है, जिसके बाद नंदिनी अपनी माँ का लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में नंदिनी और रेशमा की शादी हो जाती है और अब वो खुशी खुशी अपने अपने घर चली जाती हैं। उस दिन के बाद से नंदिनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सरोजनी अपने पिता मनोहर के साथ रहा करती थी। सरोजनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तब से उसके पिता मनोहर ने ही उसका देखभाल किया था। एक पिता होने के नाते उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई थी। सरोजनी अब शादी के लायक हो गई थी और वो अपनी बेटी सरोजनी की शादी एक नुपुर नाम के लड़के से करने वाला था। नुपुर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अच्छा खासा कमाता भी था। वहीं दूसरी तरफ नुपुर की माँ को एक संस्कारी, आज्ञाकारी और घरेलू लड़की चाहिए थी, लेकिन सरोजनी को तो खाना भी बनाना नहीं आता था। अरे बेटी सरोजनी, अब मैं क्या बताऊं, एक पिता के जितने फर्ज थे वो सब तो मैंने अदा कर दिए, लेकिन एक माँ का फर्ज मैं कभी नहीं निभा पाया। एक माँ अपनी बेटी को जिस तरह से संस्कार सिखाती है वो अलग ही होते हैं बेटा। अब मैं तुझे खाना बनाना सिखाता या फिर पैसे कमाता। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हो, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है, ये तो मेरे ऊपर ही रह गया ज्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में, मैंने कभी रसोई में ध्यान ही नहीं दे पाई। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बेटा तुम्हें तो खाना ही बनाना नहीं आता, अब तुम कैसे खाना बनाओगे। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई नहीं पिताजी, मैं YouTube से देखकर सीख लूंगी। सरोजनी रसोई में पहुंचती है, जिसके बाद वो YouTube चलाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। पहली रसोई में तो मुझे कुछ मीठा बनाना होगा, इसीलिए मैं हलवा बनाना सीखती हूँ। सरोजनी हलवा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका हलवा खराब हो जाता है। कभी उसके हलवे में पानी ज्यादा हो जाता है, तो कभी हलवा सूख जाता है, तो कभी हलवा जल जाता है। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी सरोजनी एक स्वादिष्ट हलवा नहीं बना पाती, जिसके चलते सरोजनी रोने लगती है। अरे ये क्या, मुझसे तो एक हलवा भी नहीं बनाया जा रहा, अब पता नहीं मेरी सास मुझे कितना सुनाएगी, काश माँ मेरे पास होती तो मुझे हलवा बनाना सिखा देती। सरोजनी रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ ललिता की आत्मा सफेद साड़ी में प्रकट होती है और सरोजनी से कहती है, अरे बेटी तू चिंता क्यों करती है, मैं मर गई हूँ तो क्या हुआ,
मैं मरने के बाद भी तुझे तेरी पहली रसोई के लिए अच्छे से तैयार कर दूंगी। ललिता अपनी बेटी सरोजनी को हलवा बनाना सिखाती है। जैसे जैसे ललिता सरोजनी को बताती है, सरोजनी वैसा ही करने लगती है, जिसके चलते सरोजनी इस बार बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोजनी को हलवा सिखाने के बाद ललिता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरोजनी की शादी हो जाती है और वो अपने पति नुपुर के घर आ जाती है। तभी उसकी सास अनुराधा उसके पास आकर उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है। देख, हमारे घर की बहू पहली रसोई में मीठे में जलेबियां बनाती है। आज तुझे जलेबियां बनानी है। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो एकदम से कहती है, क्या कहा, जलेबी? अरे बहू, क्या हुआ, तू इतनी चौक क्यों गई? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी जलेबियां बनाकर लाती हूँ। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी का चेहरा फीका पड़ जाता है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर अपनी माँ को याद करने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो अपनी माँ से हलवा बनाना सीख कर आई थी, लेकिन अब तो माँ जी को जलेबी खानी है, अब मैं क्या करूँ? सरोजनी ऐसा सोच सोच कर रोने लगती है कि तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और वो उससे कहती है, अरे बेटी, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ऐसा कहकर ललिता के हाथों से एक रोशनी निकलती है, जो सरोजनी के हाथों में आ जाती है। अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद ब खुद जलेबियां बना लोगी। तुम्हारे हाथों में मैंने जादुई शक्तियां दी है, जिसके चलते तुम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट जलेबियां बनाओगी। ऐसा कहकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद सरोजनी के हाथ अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सरोजनी के जादुई हाथ जादुई जलेबी बनाते हैं। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हाथों से इतनी अच्छी जलेबियां बन सकती है, ये तो कमाल ही हो गया। सरोजनी तुरंत जादुई जलेबियां बनाकर एक प्लेट में सजा देती है, जिसके बाद वो जादुई जलेबियां अपने परिवार वालों को खिलाने के लिए ले जाती है। सबसे पहले वो अपनी सास को जलेबियां देती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियां बनाई है। अरे वाह बहू, तू तो 5 मिनट में जलेबियां बनाकर ले आई, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी तूने जलेबियां बना भी ली। अरे माँ जी, ये तो मेरे हाथों का टैलेंट है। तभी सरोजनी की जेठानी कहती है, अच्छा, तुम्हारे हाथों में जलेबियां बनाने का टैलेंट है, इसका मतलब क्या तुम बावर्ची थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ये सब तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। सब लोग जलेबियां खाकर सरोजनी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने कभी नहीं खाई, ऐसी जलेबी तो तमन्ना ने भी अपनी शादी में नहीं बनाई थी। अरे आखिर पत्नी किसकी है? अरे बेटा ये मत भूल, तेरी पत्नी को तो मैंने ही पसंद किया था तेरे लिए, ये तो मेरी पसंद की बहू है। सभी लोग सरोजनी की प्रशंसा करने लगते हैं, जिसके चलते तमन्ना मुंह बना लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे हर रोज घर के सभी लोग सरोजनी से जलेबियां बनवाने लगते हैं। अरे सरोजनी बेटा, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, एक काम कर, अपने हाथों की स्वादिष्ट जलेबी बनाकर रख लेना, तुम्हारे हाथों की जलेबी खाकर सभी मेहमान तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। जी माँ जी, मैं अभी बनाकर ले आती हूँ। सरोजनी जैसे ही रसोई में जाती है, रसोई में कोई भी नहीं होता, तभी उसके सामने उसकी माँ ललिता प्रकट होती है। अरे सरोजनी बेटा, मैंने तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे दी, लेकिन ये बताना भूल गई कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला, तुम्हारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। सरोजनी की बात सुनकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती, लेकिन ये सारी बातें उसकी जेठानी सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, अब तो इसका राज मुझे ही पता चल गया, अब देखती हूँ ये जादू जलेबियाँ कैसे बनाएगी। तमन्ना खुश होकर चली जाती है, जिसके बाद सरोजनी जलेबी बनाने लगती है। जलेबी बनाने के बाद जब सभी मेहमान सरोजनी के हाथों से बनी हुई जलेबियाँ खाते हैं, तो वो सभी सरोजनी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं, जिसके बाद तमन्ना अपने मन ही मन सोचती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सरोजनी का जादू जलेबी बनाने का राज तो मुझे पता चल चुका था, फिर ये जादू टूटा क्यों नहीं।
दरअसल तमन्ना को सरोजनी की जादुई जलेबियां बनाने के रास का तो पता चल गया, लेकिन रोजाना जलेबी बनाते बनाते अब सरोजनी को आदत पड़ गई थी, जिसके चलते वो बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनाना सीख जाती है। अब उसे किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। जौनपुर गांव में गोपी नाम का एक गरीब मोची रहता था। बेहद कच्ची उम्र में उसके माता पिता इस दुखदाई दुनिया को अलविदा कह गए। अपने पीछे उस बच्चे के लिए एक झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं छोड़ गए। एक रात गांव में बहुत तेज तूफान उठा, बिजली भी जोर जोर से कड़क रही थी। भगवान जी, आपने मेरी माँ बाबूजी को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, न मेरे पास कुछ भी खाने को है, ना ही भूख के मारे ना मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। अनाथ गरीब गोपी भूख से चचनता हुआ रात भर रोते रोते नींद की गोद में समा जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागकर वह अपने मोची पिता के झोले को लेकर बाजार आता है। वहाँ से गुजर रहे रईस रामलाल को घेर कर कहता है, जूते चप्पल सिलवा लो, बूट पॉलिश करवा लो। साहब, जूते पॉलिश करवा लो, 5 रुपए में कर दूंगा, 2 दिन से इस गरीब के पेट में एक दाना नहीं गया। अनाथ बच्चे की बेहाली देखकर रामलाल का दिल पसीज जाता है और वह ना चाहते हुए भी जूते पॉलिश कराता है। ये लो साहब, दोनों जूते पॉलिश कर दिए हैं। अरे वाह बच्चे, तू तो बड़ा मेहनती है, तेरे हाथों ने तो मेरे जूतों की शान ही बदल दी। ये ले, तो 5 की जगह 10 रुपए रख। रामलाल गरीब मोची के लिए सहानुभूति दिखाकर उसे 10 रुपए देता है। शुक्रिया भगवान, अब इस 10 रुपए के पाव खरीद लेता हूँ, माना कि उससे पेट भर नहीं पर आधा पेट तो भर ही जाएगा। दिन बीतते हैं और गरीब मोची पूरी मेहनत से अपना काम करता गया और 11 साल का लंबा समय गुजर गया। कल का गरीब बच्चा 22 बरस का हो गया था। तभी गरीब मोची के बराबर में मनोहर नाम का एक नए मोची ने साल भर पहले ही वहाँ डेरा डाला था। मनोहर गरीब मोची गोपी को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अरे भाई मोची महाराज, सुना है कल तू खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढने निकला था, मिली क्या कोई अप्सरा? अरे तुझ जैसे तेनाली राम को अप्सरा तो क्या, कोई लंगड़ी लूली लड़की मिलना भी मुमकिन नहीं। एक तो अनाथ, ऊपर से गरीब मोची, अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सालों से मोची की दुकान खोले बैठा है मगर अपनी झोपड़ पट्टी को एक मकान में भी नहीं बदल सका। ऐसे में तुझ फटे हाल को भला कौन सा बाप अपनी बेटी देगा? ये सुनकर गरीब मोची के मन में उथल पुथल मचने लगती है और वह जमीन में नजरें गड़ाए अपनी आंखों में झुलमिलाते आंसुओं को छिपाने लगता है। उस रात मोची घर लौटते वक्त खुद से बातें करता है, दुनिया दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है मगर जी तोड़ मेहनत के बाद भी मैं मोची 11 साल बाद भी गरीबी में दिन काट रहा हूँ। गरीब मोची अपनी गरीबी को सोचता हुआ बेमन से रूखी सूखी रोटी और प्याज खाकर सो जाता है। समय बीतता है, कुछ ही सप्ताह के बाद सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। एक दिन जब मोची हाथों में झोला लटकाए बाजार की ओर बढ़ रहा था, तभी भूख से बिलकती एक भिखारिन लड़की उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, मुझ भिखारिन पर तरस खाओ, मैंने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। तुम तो ठंड से ठिठुर रही हो, मेरे साथ चलो। मोची उस भिखारिन को घर लाकर उसे स्वेटर और खाने को देता है। दिन बीतते हैं, गरीब मोची के गैर हाजिरी में भिखारिन उसके घर का सारा कामकाज कर दिया करती। गोपी उस भिखारिन के साथ शादी के सपने बुनने लगा और एक दिन वह अपने मन की बात बोल पड़ा, मेनका, मैंने हमेशा से अपने मन में ये सोच रखी थी कि मैं किसी गरीब लड़की से शादी करूंगा और देखो भगवान तुम्हें भिखारिन के भेष में मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्या तुम मुझ गरीब मोची की बीवी बनोगी? ये सुनकर मेनका खुशी से चहक उठती है, जिसके बाद मेनका और मोची एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। मोची जैसे ही मेनका को घर लेकर आता है, वह भिखारिन अप्सरा जैसे जादुई दुल्हन के भेष में बदल जाती है। उसके लंबे लहराते केश, गुलाबी होंठ, नीली आंखें और दूधिया चेहरे पर सजे 16 श्रृंगार को देखकर गरीब मोची दंग होकर आंखें मीचते हुए बोलता है, तुम कौन हो और मेरी दुल्हन कहाँ है? मैं ही तुम्हारी दुल्हन हूँ गोपी, भिखारिन का भेष धरकर मैं तुम्हें भाप रही थी। तुम बेहद भले इंसान हो, दरअसल मैं जादुई दुल्हन हूँ। मुझे ऐसे हमसफर की तलाश थी जिसके मन में सूरत से बढ़कर सीरत के मायने हो और तुम मेरी सोच में खरे उतरे। मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम जादुई दुल्हन हो?
मोची का सवाल सुनकर सुंदर जादुई दुल्हन खिलखिलाते हुए जैसे ही चुटकी बजाती है, गोपी की झोपड़पट्टी एक सुंदर महल में बदल जाती है। अब तो यकीन हो गया होगा गोपी कि तुम्हारी दुल्हन जादुई है। जादुई दुल्हन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? अरे खाना बनाने की क्या जरूरत है, तुम बस ये बताओ कि खाना क्या है। जादुई दुल्हन का सवाल सुनकर गरीब मोची के दिमाग में 56 भोग की छवि उभर आती है और वो कहता है, पिछले 11 साल से मुझे गरीब मोची ने अच्छा खाना नहीं खाया, बस प्याज रोटी से ही पेट भरता आया हूँ। आज मैं 56 भोग से भरी थाली का स्वाद चखना चाहता हूँ। ये सुनकर जादुई दुल्हन जिन्न के जैसे अपने हाथों को हवा में घुमाने के साथ सुनहरी रोशनी के साथ 56 भोग की थाली से भरपूर खाना प्रकट करके गोपी के आगे परोसती है। ये लो मेरे प्यारे पति देव, आपका हुक्म हाजिर है। खाने की खुशबू से मंदा गरीब मोची थाली पर टूट पड़ता है कुछ देर बाद। शुक्रिया मेरी जादुई दुल्हन, तुम्हारे दिए दावत के कारण आज पूरे 11 सालों के बाद मुझे गरीब मोची ने प्याज रोटी को भूलकर 56 भोग से भरी इस पूरी पकवान से पेट भरा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे गरीब का ओछा जीवन ऐसे बदल जाएगा। अब बस भी करो मेरे प्यारे पति देव, अपनी जादुई दुल्हन को दाना मत डालो। नहीं जादुई दुल्हन, मैं तो तुम्हारे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं। तुम कहां अप्सरा जैसी सुंदर और मैं ठहरा गरीब मोची, मेरा तुमसे क्या मेल? गोपी की इन बातों ने जादुई दुल्हन को एक ओछापन दिखाई देता है। बावजूद उसके उस पल जादुई दुल्हन दरिया के जैसे शांत स्थिर थी। अगली सुबह, जादुई दुल्हन मैं बाजार जा रहा हूँ, कई दिनों से मैंने मोची की दुकान नहीं लगाई, इसलिए जाना होगा। जरा ठहरो तो मेरे प्यारे पति देव, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? क्या हुआ मेरी जादुई दुल्हन, तुम मुझे तिरछी नजर से निहार क्यों रही हो? जानता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने जोकर के जैसा लगता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे पति देव, मगर जादुई दुल्हन का पति ऐसे फीके पहनावे में बिल्कुल भी नहीं जचता। तुम्हें बिखराव की नहीं, बस कुछ बदलाव की जरूरत है। ऐसा सोचते हुए जादुई दुल्हन एक मंत्र बोलती है, चल मेरे जादुई हाथ, दे मेरा साथ, मेरे प्यारे पति देव की बदल दे तू जात। फिर जादुई दुल्हन जैसे ही 3 बार तालियां बजाती है, मोची एक नौजवान राजकुमार के रूप में बदल जाता है। उसके चेहरे पर उतरा नूर देखकर जादुई दुल्हन कहती है, अरे वाह क्या बात है, तुम तो मोची से मिर्जा बन गए, जरा आईने में खुद को देखो तो। अरे वाह जादुई दुल्हन, तुमने तो मुझ मोची को शाही राजा जैसा कर दिया। मेरे प्यारे प्रीतम प्यारे, तुम जादुई दुल्हन के पति हो, अब तो तुम्हारे मन में कोई मलाल नहीं रही। और रही बात मोची की, तो जो कि अब तुम्हारी जोड़ू एक जादुई दुल्हन है, तो इतनी मेहनत क्यों करनी? नहीं जादुई दुल्हन, भगवान ने अगर तुम्हारे अंदर रज रज के जादू दिया है तो इससे गरीब और बेसहारों की मदद करो। मुझ मोची को और कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझ गरीब की जीवन संगिनी हो, यही बहुत है। मोची के मन की भली इच्छा जानकर जादुई दुल्हन का मन भी बाग बाग हो जाता है। हम सभी स्वार्थी हैं जो अपना बेहतर चाहते हैं, मगर गोपी को अपनी होड़ नहीं थी। उसने मोची बनकर 11 साल की गरीबी को बेहद करीब से महसूस किया था, इसलिए जादुई दुल्हन मिलने के बाद उसने खुद तो मोची बनकर मेहनत से रोटी कमाया, मगर अपनी जादुई दुल्हन के द्वारा गरीब और मसूलबों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। चुड़ैल की गाय की मौत। 4 आदमी बेरहमी से बकरी और गाय के गले में फंदा डालकर उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अपनी झुमरी को बचाने के लिए सुषमा उन लुटेरों का पीछा करती है। मैंने कहा छोड़ दो मेरी झुमरी को, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो, तुम ऐसे नहीं मानोगे, हाँ अभी बताती हूँ। सुषमा जमीन से एक पत्थर उठाकर उन 4 में से एक व्यक्ति के सिर पर मार देती है और झुमरी को उनसे छुड़ा कर वापस जाती है कि बाकी के 3 गुस्से से कहते हैं, अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी पर हाथ उठाने की, अब इसकी जिंदगी से आजाद इसे करना होगा हमें। अरे मैं तो कहता हूँ जल्दी से मार डालो, कोई नहीं है यहाँ पर, पता नहीं एक गाय के पीछे क्यों भागी भागी आ रही है। एलो चाकू, छोड़ना मत उसे। तभी वो पीछे से सुषमा के 2 बार चाकू घोप देते हैं, जिसके बाद वो वहीं मर जाती है और उसकी आंखों के सामने उसकी गाय को खींच कर ले जाते हैं। छोड़ दो मेरी गाय को, छोड़ दो मेरी झुमरी को, क्यों ले जा रहे हो उसे मुझसे दूर, कोई बचाओ हमें। अरे पता नहीं क्यों इतना लगाव है इसे गाय से। तभी सुषमा को ऐसे देखकर झुमरी गुस्से में अपना एक सींग भीमा को मार देती है,
जिससे वो घायल हो जाता है। तभी बाकी के दो भीमा की मौत देखकर उस गाय को भी मार डालते हैं। आखिर कौन है वो लोग और क्यों वो सुषमा से उसकी गाय को छीनकर ले जा रहे थे? क्या सुषमा का उनसे कोई संबंध था? आखिर पूरी बात क्या थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सुषमा अपने भैया भाभी रोहित करिश्मा के साथ रहती थी। बचपन में उसके माता पिता ने उसे झुमरी लाकर दी थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। कुछ समय बाद सुषमा के माता पिता का एक हादसे में इंतकाल हो गया। सुषमा झुमरी के साथ बड़ी हो जाती है। ले ले झुमरी, ले घास खा ले अच्छे से, भूख लगी होगी ना। तभी झुमरी घास खाने लगती है। सुषमा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार करती है। कितनी बात मानती है ना झुमरी तू मेरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। वो अपनी झुमरी को और चारा खिलाती है कि उसकी भाभी करिश्मा आकर कहती है, सारा दिन तुम अपनी गैया झुमरी के पास ही बैठी रहती हो, अरे थोड़ा मेरा हाथ भी बटा दिया करो खाना बनाने में, मेरा दर्द से सर फटा जा रहा है। माफ कीजिए भाभी, मैं आती हूँ आपके लिए झुमरी के गाढ़े दूध से चाय बनाऊंगी ना अदरक वाली, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और खाना भी बना दूंगी, आप आराम कीजिए। ठीक है, मैं कमरे में हूँ अपने। तभी सुषमा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और चाय बनाकर अपनी भाभी के पास जाती है। ये लीजिए भाभी, चाय पी लीजिए। खाना बन गया है क्या? हाँ भाभी, खाना भी बना दिया। अच्छा तो मेरा सिर भी दबा दो, वो क्या है ना जल्दी आराम पड़ जाएगा, तुम्हारे हाथों में जादू है ना इसलिए। ठीक है भाभी। फिर करिश्मा चाय पी लेती है और सुषमा उसका सिर दबा देती है। शाम को रोहित दफ्तर से आ जाता है, सुषमा उसके लिए खाना लगा देती है। तभी वो कहता है, सुषमा तुम्हारी भाभी कहाँ है, उसने खाना नहीं लगाया आज? भैया भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो खाना खाकर जल्दी सो गई। भैया मैं झुमरी के पास जा रही हूँ, बहुत देर से उसके पास नहीं गई। हाँ तेरा तो उसके बगैर मन ही नहीं लगता, घर में ऐसा कर दो घी की रोटी उसे भी खिला दे। जी भैया। ऐसा कहकर सुषमा उसे दो रोटी जाकर खिला देती है और कहती है, झुमरी माफ करना मुझे, मैं सुबह से ही तुम्हारे पास आ नहीं पाई, मैंने बनाई है रोटी और चाहिए तो बता। अच्छा नहीं तो सो जा, बहुत रात हो गई, अब चल सो जा। इस तरह से सुषमा अपनी गाय को सुला देती है। अगले दिन सुबह सुषमा झुमरी को नहला देती है और कहती है, जिस दिन तुझे नहलाती हूँ ना अलग ही चमक आती है। तभी रोहित के दफ्तर से उसे फोन आता है और वो खुश होकर कहता है, करिश्मा सुषमा अरे जल्दी आओ, एक खुशखबरी है। अजी बताइए क्या खुशखबरी है। हाँ भैया बताइए ना, बड़े दिनों बाद आप खुश लग रहे हैं। अरे तो सुनो, दफ्तर के मालिक ने मेरा तबादला शहर में कर दिया है और उन्होंने हमें घर देकर रहने की व्यवस्था भी की है, इसलिए हमें आज ही जाना होगा। सुषमा तू इस गाय को किसी जिम्मेदार इंसान को देकर आ जा। क्या तबादला? भैया झुमरी किसी और को क्यों देना है, हम वहाँ लेकर चलते हैं ना इसे, आपको पता है ना मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये बचपन से मेरे साथ है। हाँ सुषमा मैं जानता हूँ, पर शहर में यहाँ से वहाँ तक इसे लाद कर तो नहीं ले जाया जा सकता ना, इसलिए हमें यहीं छोड़ना होगा। सामान बांध लो अब। नहीं भैया मैं झुमरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपको जाना है तो आप शहर चले जाइए, मैं यहीं रहूंगी। सुषमा बात को समझो, तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की कि तुम्हारे भैया को शहर जाने का मौका मिल रहा है? खुश हूँ भाभी, लेकिन झुमरी को नहीं छोड़कर जाऊंगी, बचपन से वो मेरे साथ रही है, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती, कौन देखभाल करेगा उसकी यहाँ। ठीक है अगर तुम नहीं जाना चाहती तो झुमरी के साथ यही रहो, फिर यहाँ रहो और हम पैसे भिजवा दिया करेंगे तुम्हें। मुझे यही मंजूर है भाभी भैया, आप फिक्र मत करना, आप दोनों जहाँ चाहिए वहाँ जाओ। जैसी तेरी इच्छा। इस तरह से रोहित और करिश्मा अपना सामान बांधकर शहर की ओर निकल जाते हैं। वहीं रोते हुए सुषमा झुमरी के गले लगकर कहती है, देखा झुमरी तूने, भैया भाभी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए, पर मैं उनकी खुशियों से उन्हें दूर नहीं कर सकती और तुझे अकेली नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं तेरे साथ यहीं रहूंगी, मैं तुझे किसी तरह भी अकेला नहीं छोड़ सकती किसी के भी पास, हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहे हैं, तेरे ही गले लगकर रोई हूँ मैं और आज भी तेरे ही गले लगकर रोऊंगी। तभी सुषमा रोते रोते अपनी झुमरी के पास ही सो जाती है कि आधी रात में चार लुटेरे डाकू जैसे दिखने वाले गांव में आ जाते हैं। वो लोगों की गाय भैंस बकरी को चुरा रहे थे जिसे वो ऊंचे दाम पर बेच दिया करते थे। तभी चेतन कहता है, अरे देखो ये किसके घर में गाय बंधी हुई है और ये तो बहुत मोटी और अच्छी दिख रही है, लगता है इसके मोटे पैसे मिलेंगे। चलो इसे उठा लेते हैं।
ऐसा बोलकर वो झुमरी का खूंटा खोलकर अपने साथ ले जाते हैं तो झुमरी आवाज निकालती है, जिस वजह से सुषमा की नींद खुल जाती है और वो पीछे पीछे अपनी झुमरी को बचाने के लिए भागती है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी झुमरी को ले जाने की? छोड़ दो उसे, कहाँ ले जा रहे हो? सुन नहीं रहे हो? अच्छा पत्थर मारती हूँ। तभी सुषमा पत्थर मारकर अपनी झुमरी को उनके हाथ से छुड़ाकर ले आती है कि बाकी के लोग कहते हैं, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा, भीमा चेतन मार डालो इसे। तभी वो सुषमा को चाकू से मार डालते हैं। उसकी मौत देखकर झुमरी गुस्से में भीमा को सींग से मार डालती है। भीमा के मर जाने पर हरिया और चेतन झुमरी को भी उसी वक्त बेरहमी से मारकर चले जाते हैं। तभी सुषमा चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और कहती है, झुमरी ये क्या हुआ तुझे? तो मैं, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे तेरे साथ रहना था, इसीलिए तो मैं भैया भाभी के साथ नहीं गई। झुमरी मेरे खातर वापस आ जा, उन लोगों ने तुझे मारकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। तेरी मौत का बदला मैं लूंगी, उनसे पहले उन कातिलों को मारूंगी, फिर तेरा अंतिम संस्कार करूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपनी झुमरी को अपने घर ले आती है और तबेले में छोड़ने के बाद वो बाकी के तीन लोगों को मारने जाती है जहां वो किसी और गाय को चुराने वाले थे। तभी चांटे मारती है उन्हें, उसे हवा में जमीन पर पटक देती है और गर्दन पकड़कर कहती है, तूने मेरी मासूम झुमरी को मार डाला, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो। जब तूने मेरी झुमरी पर रहम नहीं खाया तो मैं तुझ पर क्यों रहम खाऊं? बता तेरे दोनों साथी कहाँ हैं? बता। वो पीपल के पेड़ के पास खाली प्लॉट में गए हैं चुराए हुए जानवरों को छुपाने के लिए। ये सुनते ही चुड़ैल एक बारी में ही चेतन को खलास कर देती है। फिर वो उन दोनों को ढूंढते हुए खाली प्लॉट में पहुंच जाती है और बोलती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत बेरहमी से तुमने मेरी झुमरी को मार डाला है। अरे भागो भागो यहाँ से। दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर चुड़ैल उन्हें जान से मार डालती है, जिसके बाद वो बाकी के जानवरों को उनके घर छोड़ देती है। फिर अपनी झुमरी का अंतिम संस्कार करते हुए कहती है, झुमरी तूने मेरा बहुत साथ दिया है, तू ही मेरी सहेली थी जिसने मुझे हमेशा सुना समझा और कभी अकेला नहीं किया, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं पाई। झुमरी का अंतिम संस्कार करने के बाद चुड़ैल और झुमरी दोनों को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चले जाते हैं।